दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुग्राम की बात करेंगे जहां के कथुरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई है। उधर रेवाड़ी में भी ऑक्सीजन की किल्लत से 4 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और इसके अलावा हिसार में भी एक निजी अस्पताल में 5 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार, इन तमाम जगहों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत और इसका नतीजा ये कि अब मरीजों की जान जा रही है, जिसके बाद मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि सरकार की ओर से ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही। अब सरकार भी अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देती हुई तो नजर आ रही है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत, हिसार जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स का दौरा भी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन संकट खत्म हो। अब हरियाणा में ऑक्सीजन संकट दिखने लगा है। पहले दिल्ली से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, मरीज दम तोड़ रहे हैं। अब हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती नजर आ रही है जो कि चिंता का विषय है। सर, प्रशासन के पास सब कुछ है लेकिन प्रशासन हमें सप्लाई नहीं कर रहा सिलेंडर की। यह बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं, 4 पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने अभी जो नोडल ऑफिसर हैं ऑक्सीजन सप्लाई के डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी बात करी है। तो उनसे बात करते पे सर यही पता लगा है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है जब तक CMO सर नहीं कहेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि CMO सर से संपर्क करें। हम CMO सर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। सर रोहित, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि अब लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जहां पर हरियाणा के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत और उसके बाद मरीजों की जान जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो अब हरियाणा से भी वैसी तस्वीरें सामने आने लगी है जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत के चलते जो है मरीज कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगे हैं। बहरहाल अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में भी आज 5 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। हालांकि फिलहाल जो है मेडिकल की अगर बात कर ली जाए तो मेडिकल बोर्ड की तरफ से तमाम तरह की प्रक्रिया जो है वो अगली की जाएगी और 5 के शवों को जो है हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है जहां पर तमाम आगे की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी की जाएगी। बहरहाल उस हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक मैं सामने हूँ जहां पर ये किल्लत बनी और आज तड़के 5 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज हरियाणा के अलग अलग जगहों पर दौरा करने की बात कर रहे हैं, वैसे ही उनका दौरा जो है हिसार में भी सुनिश्चित किया गया है। कुल मिलाकर अगर इस अस्पताल की बात करें तो जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें एक व्यक्ति दिल्ली का, एक पंजाब का और इसके साथ साथ 2 हिसार डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले थे। इनकी अगर उम्र की बात कर ली जाए तो इनमें से 2 मरीज जो है 60 साल से ऊपर की उनकी एज थी। हालांकि एक युवक जो है यंग एज यानी कि उसकी उम्र जो है केवल 25 साल थी, उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन जिस तरह से कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वैसी जितनी जागरूकता होनी चाहिए, जितनी संजीदगी बरती जानी चाहिए, वैसा ग्राउंड पर कहीं पर भी असर नहीं आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई जगह पर लोग जो है बिना मास्क के भी घूमते नजर आते हैं। बहरहाल अगर फिलहाल की प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल को भी पहले तैनात किया गया था। फिलहाल 5 बॉडीज को जो है यहाँ से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है जहाँ पर अब अगली प्रक्रिया होगी। बिल्कुल रोहित, ऑक्सीजन की किल्लत और इस ऑक्सीजन की किल्लत के बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरा करने वाले, हिसार में भी ऑक्सीजन प्लांट का दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ राज टाकिया भी जुड़े हुए हैं रोहतक से। राज, आपका रुख करेंगे क्योंकि रोहतक PGI में अब जो अस्पताल है, PGI अस्पताल है, वहां पर बेड्स की कमी हो गई है। 120 बेड है कोरोना मरीजों के लिए, अब उससे ज्यादा भर्ती नहीं किए जा सकते। ऐसे में इतने बड़े अस्पताल में भी अगर प्रबंधन की कमी होगी तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी? फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक PGI की सर बात कर ली जाए तो प्रदेश की सबसे बड़ी PGI संस्थान जो है रोहतक में स्थित है और लगभग 10,000 से ज्यादा मरीज अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर रोज आते हैं। लेकिन PGI प्रशासन की तरफ से देर रात फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में किसी भी नए मरीज को रोहतक PGI में एडमिट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि कोविड के चलते
यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर जो थे वहां पर उस कोविड हॉस्पिटल उनको घोषित कर दिया गया था और 120 वहां पर बेड मौजूद थे। वहां पर नए मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर धीरे धीरे होती जा रही है। और पीजीआई प्रशासन ने सरकार को पत्र लिखा है कि उनको 500 से अधिक जो है वहां पर सिलेंडर और गैस ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाए ताकि मरीजों का ठीक तरीके से इलाज करवा जाए। हालांकि रोहतक पीजीआई प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि आपातकाल घोषित कर दिया गया है और नए मरीज यहाँ पर एडमिट नहीं किए जाएंगे। साथ ही पीजीआई प्रशासन का कहना है कि इमरजेंसी ऑपरेशन को छोड़ करके अन्य ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हरियाणा के मरीजों को काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि पीजीआई प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का नए मरीजों का इलाज नहीं होगा। जी बिल्कुल, लेकिन राज अगर इसी तरीके से अस्पताल ही अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, मरीज कहाँ जाएंगे? ऐसे में अगर स्थिति खराब होती है तो उसके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से? जो अन्य अस्पताल है वहां पर किस तरीके के इंतजाम है ऑक्सीजन को लेकर भी और बेड्स को लेकर भी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है खुद पानीपत और हिसार में ऑक्सीजन प्लांट का दौरा करेंगे ताकि और उनको दिशा निर्देश भी देंगे कि आने वाले दिनों में किसी भी हरियाणी को गैस के चलते दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन के चलते दिक्कत ना हो। और यही व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जो है बैठक भी लेंगे और अधिकारियों से रूबरू भी होंगे। चलिए, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया लेकिन रोहित हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं। रोहित, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी जानकारी भी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट्स का दौरा भी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, लेकिन मौजूदा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? अगर ग्राउंड की हम बात करें, अस्पतालों में किस तरीके की मौजूदा स्थिति है? क्योंकि अभी 3 से 4 जगहों से तो तस्वीरें आ चुकी है जहां पर मरीजों की जान चली गई कोरोना इसके ऑक्सीजन की किल्लत के चलते। देखिए, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो जिस तरह से हरियाणा के अस्पतालों में इंतजामात हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम चीजें सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार मीटिंगों का दौर भी कर रहे थे और आज जो है जिस तरह से दौरे उनके सुनिश्चित किए गए हैं, तो फिर चाहे बात कर ली जाए हिसार की या पानीपत के ऑक्सीजन प्लांट की, तो वहां पर ये दौरा करने पहुंचेंगे। हालांकि हिसार के बारे में ये बताया जा रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन करने मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से अभी हिसार का ही ताजा मामला सामने आया, यहां पर 5 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ऑक्सीजन की कमी के चलते, तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह से हैं। हालांकि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए, हिसार के प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर ली जाए, तो उनका दावा यही था कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है ऑक्सीजन की। लेकिन जिस तरह से आज जो है हिसार में यह बड़ा मामला सामने आया, उसने कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल जो है प्रशासनिक एक तरह से इंतजामों पर भी उठाने का काम किया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज तड़के ही ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम थी तो क्या अस्पताल को नहीं पता चल पाया या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से सक्रिय नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था? तो इस तरह के काफी सवाल आते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करी जाए तो 5 बॉडीज को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी तमाम जगहों के दौरे जो जिस तरह से उनके सुनिश्चित किए गए कि ऑक्सीजन जितने भी प्लांट्स हैं उनकी वो विजिट करेंगे और ना सिर्फ डाटा पर मंथन करेंगे साथ ही साथ जितनी भी अगली कार्रवाई बनती है दावे किए थे वो फिलहाल तो फेल साबित होते नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। लेकिन स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक ना हो और ज्यादा लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े ऑक्सीजन की कमी के चलते या फिर बेड ना मिलने के चलते, ऐसे में हम अगर फिलहाल हिसार की ही मौजूदा स्थिति की बात कर लें, कितने कोरोना मरीज यहाँ पर हैं, कितने अस्पताल यहाँ पर हैं, वहां पर किस तरीके की तमाम इंतजाम और तमाम स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए, अगर हिसार की स्थिति की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हिसार में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। कल भी हिसार में 800 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव सामने आए थे। हर रोज रूटीन में जो है अब 500 से ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं। कल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, वहीं अगर टोटल आंकड़े की बात कर ली जाए तो टोटल मामला जो है वो 5000 के पार पहुंच चला है। फिलहाल स्थिति की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल्स कुछ एक्वायर की हैं। जिस तरह की अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए तो उनमें कुछ बेड्स जो है
लोकल हिसार वासियों के लिए आरक्षित किए, 25% बेड्स जो है आरक्षित किए, साथ साथ बेड्स की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से आज ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो क्या वैसी परिस्थितियां कहीं दोबारा ना बने, तो उसको लेकर किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे की रणनीति बनाता है इस पर नजर रहेगी। क्योंकि इंतजामों की अगर बात कर ली जाए तो दावा तो पहले भी प्रशासन की तरफ से यही किया जा रहा था कि तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई उससे कहीं ना कहीं तमाम इंतजामों पर भी एक तरह से सवाल उठने का काम किया। बहरहाल 5000 के पार हिसार में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा पहुंच चला है, देखना होगा कि किस तरह से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रणनीति में बदलाव करता है और क्या कुछ रूपरेखा जो है अब आगे को लेकर बनाता है। बिल्कुल राज का रुख करेंगे। राज, क्योंकि रोहतक पीजीआई की हम बात कर रहे थे जहां पर फिलहाल मना कर दिया गया है कि और मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से और बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है? क्योंकि मरीज तो आएंगे, कोरोना तो फिलहाल फैल चुका है और ज्यादा से ज्यादा मरीज रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे अगर रोहतक पीजीआई आते हैं तो? उनके लिए क्या कुछ अभी फिलहाल इंतजाम किया जा रहा है या फिर पूरी तरह से ही रोक लगा दी गई कि अब 120 बेड जो भर चुके हैं उससे ज्यादा और मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक पीजीआई की बात कर ली जाए तो रोहतक पीजीआई में साफ तौर पर पीजीआई प्रशासन ने नए मरीजों को एडमिट करने से बिल्कुल मना कर दिया है। वही प्रशासन, रोहतक प्रशासन की बात करें तो रोहतक प्रशासन ने सभी निजी हॉस्पिटल को एक आदेश जारी किया है कि 50% बेड यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए रखा जाए, ताकि गंभीर हालात बनने पर कोविड मरीजों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की और हानि न हो सके। क्योंकि हालांकि जो है कम्युनिटी शिफ्ट हो चुका है और रोहतक की बात कर ली जाए तो दिन निरंतर मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे में पीजीआई प्रशासन व हरियाणा रोहतक प्रशासन कुल मिलाकर के स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल अगर हम बात करें राज, यहाँ पर ऑक्सीजन संकट को लेकर अगर प्रशासन अपनी तमाम तैयारियां कर रहा है, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के दावे हैं उन दावों को लेकर भी कहीं ना कहीं फेलियर यहां पर जरूर साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते ये बात भी सामने आई कि हरियाणा का जो ऑक्सीजन टैंकर है उसे लूटा गया दिल्ली के अंदर, लेकिन अब हरियाणा में ही खुद किल्लत आने लगी है जबकि यहां से अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा से ही अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और डिप्टी मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से अनुरोध किया है कि हरियाणा में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की दिक्कत न हो और यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक से अधिक प्रोवाइड करवाया जाए। इसको लेकर भी सरकार ने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, हरियाणा के लोगों को किसी भी प्रकार की कोविड से दिक्कत न आए, मौत न हो, सरकार इस चीज को लेकर भी सुनिश्चित व्यवस्थाएं प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इस कोविड स्थिति में निपटा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राज। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम अपडेट के लिए।